एक भरम जानबूझ के फैलाया गया कि आयुर्वेद धीमा काम करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा कोई झूठ है तो ये बात झूठ है कि आयुर्वेद धीमा काम करता है। किडनी का अगर एलोपैथी के इलाज की बात करें तो एक ही इलाज है, डायलिसिस करवाओ। सप्ताह में 2 डायलिसिस का खर्चा 12,000 रुपये, महीने का 50,000 रुपये। 6 साल के बाद डायलिसिस के बाद बोला किडनी ट्रांसप्लांट खर्चा कितना, कम से कम 4-5 लाख रुपए। ये खेल है किडनी के रोगियों का। लेकिन आयुर्वेद में जब रोगी सही से परहेज करता है, दवा टाइम से लेता है, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। मेरे सामने जो ये रोगी खड़ा है, इसका किसी समय पे 6 क्रिएटिनिन था, आज 3 से भी कम हो गया है। अगर इसने परहेज पूरे किए होते और दवा के अलावा जो चीज़ें बताई गई हैं वो पूरी की होती तो निश्चित रूप से ये ठीक हो चुका होता। अब इसने जो जो चीज़ें नहीं करी वो किडनी के रोगियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये जो पर्चा दिया जाता है किसी भी बीमारी में, ये पर्चा आपको पूरा कवर करना होता है। और किडनी के रोगी में जो सबसे ज़रूरी है वो है मक्का के बाल, भुट्टा जिसे बोलते हैं, भुट्टा के बाल 50 ग्राम रोज उबाल के आपको लेने हैं। उसके बाद कुछ पत्ते हैं, जैसे काशनी है, पलास का पत्ता है, काल में गए गिलोय है, पीपल है, साठी है, बड़, इसके पत्तों का जूस लेना है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किडनी के रोगियों को पालन करनी है। अगर आप पालन करने में सफल हो गए तो मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे देश का किडनी डायलिसिस छुड़वा दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिस प्रकार से कैंसर के सबसे अधिक रोगी ठीक किए हैं, उसी प्रकार से किडनी डायलिसिस के बंद होने वाले रोगियों की भी सबसे ज़्यादा संख्या इस गुरुकुल की होगी। जब भी आपको डॉक्टर डायलिसिस करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप तुरंत बांखड़ी, जिसे आयुर्वेद में छोटा गोखरू कहते हैं, भूमि आंवला, इनका रस निकाल निकाल के पीना शुरू कर दें। और फिर नज़दीकी वैद्य के पास, जो भी अच्छा चिकित्सक धर्म का पालन करता है, उस वैद्य के पास जाके दवा लें। बेटा क्या नाम है आपका? अरिंदर शर्मा। हरिंदर शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक, मसूदपुर गांव, रोहतक। रोहतक में मसूदपुर गांव है। तो आगे से ये सारे परहेज करोगे जो मैंने बताया? जब इस गुरुकुल में आए कितना था क्रिएटिनिन आपका? 6 क्रिएटिनिन था। और अब कितना है? अब 3.50। और यूरिया कितना था? 200 यूरिया था, 125। अब कितना है? 125। आपको ये वीडियो पैसे दे के तो नहीं बनवाई गई है? नहीं नहीं, ये बातें सत्य है। हाँ सत्य है। और किडनी के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को एक टब में बैठा के और वीडियो बनवाई जाती है, देखो ये डायलिसिस ठीक हो गया। उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक भी रोगी का परमानेंट अगर डायलिसिस बंद किया है आपने, तो आप उसका डाटा प्रस्तुत करें और उस रोगी का नंबर डिस्प्ले करें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पैसे लेते हैं 20,000, 30,000, 40,000, फिर उनसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। मनुष्य की औकात सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये तक ही रह गई है, भले ही लाखों लोगों की जान चली जाए लेकिन वो बोल देंगे। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।